रुक करते हैं खबर की ओर, जिसको कह सकते हैं कि एच टुडे का इंपैक्ट प्रशासन द्वारा भी देखा गया। सूरत में अग्निकांड के बाद हमीरपुर में भी कोचिंग सेंटरों की हालत एच टुडे चैनल पर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है। चैनल पर खबर दिखाए जाने के बाद कोचिंग सेंटर मालिकों की नींद हराम हो चुकी है। मंगलवार को अग्निशमन विभाग के द्वारा शहर के कुछ कोचिंग सेंटरों का औचक निरीक्षण किया गया और कोचिंग सेंटरों में तमाम सुविधाओं का जायजा भी लिया गया। सूरत में हुए अग्निकांड के बाद हमीरपुर में भी कोचिंग सेंटरों के हालात एच टुडे चैनल पर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है। वहीं चैनल पर खबर दिए जाने के बाद कोचिंग सेंटर मालिकों की नींद हराम हो गई है। मंगलवार को अग्निशमन विभाग के द्वारा शहर के कुछ कोचिंग सेंटरों का औचक निरीक्षण किया गया और कोचिंग सेंटरों में तमाम सुविधाओं का जायजा लिया गया। जिला फायर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौधरी की अगुवाई में टीम ने कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया है और हिदायतें दी हैं कि जल्द आपात स्थिति से निपटने के लिए व्यवस्था की जाए, नहीं तो इन कोचिंग सेंटरों पर कानून सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा। मैं एक्चुअली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक कार्य में दिया था, तो शहर में जितनी भी हाईलाइट मिली है उनका डेटा डाटा जो है तो जा रहा था, तो जो हमारे कोचिंग सेंटर के आगे मालिक है उन्होंने मेरे को फोन दे दिया था, वो कनेक्ट हमारे तो मैंने उनको टाइम दिया था कि मैं 12 बजे बंद हुआ काम लेने नहीं हुआ बाहर जाना है, तो यहाँ से जा रहा था तो मैंने बोले जी प्लीज़ जमा करा, तो मैंने इसको देखा बिल्डिंग के अंदर ऊपर जी प्लस टू तक बिल्डिंग है उनकी, उसका स्पेशल भी देखा इसमें कितने बच्चे रह सकते हैं, कितने बच्चे एडमिशन हैं, क्या उनके सुरक्षित बाहर निकलेगा है या नहीं है, इस बारे जो है उसके इसके अतिरिक्त जो है वो अभी तक जो है भिन्न भिन्न प्रकार की भवनों का जो डाटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद जैसे भी उच्च अधिकारियों के आदेश आएंगे उसके लोग जो कार्य आपको बता दें कि शिक्षा हब बने हमीरपुर शहर में जगह जगह पर कोचिंग सेंटरों में आपात स्थिति से बचने के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं है और ऐसे में ऐसे सेंटर हर वक्त दुर्घटनाओं को न्योता देते नजर आ रहे हैं।